तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जैन में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जैन बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जैन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जियो फोन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है 2.5 का, मतलब iOS यहाँ पर 2.5 जो हो गया, पहले 2.0 था, तो उसको आने के बाद यहाँ पर आपको जियो फोन में क्या क्या अपडेट देखने को मिल जाते हैं, मतलब क्या क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लेना, और जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिर सॉफ्टवेयर अपडेट 2.5 के बाद क्या कुछ नए फीचर्स आपको जियो फोन में मिल जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को जल्दी से बताना स्टार्ट करता हूँ कि आफ्टर जियो का जो यहाँ पर फ़ोन है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद, जो कि पहले 2.0 अपडेट था, लेकिन अब यहाँ पर अपडेट जो आया है वो है 2.5 का अपडेट हो गया है। मतलब अगर आपने जियो फोन को अपडेट कर लिया है तो 2.5 आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाएगा। तो उसको अपडेट करने के बाद क्या कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। चलिए जल्दी से बात करता हूँ यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या फीचर मिलता है। तो पहला फीचर आपको जो मिलता है वो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में आपको मिलता है। सेटिंग में आने के बाद अगर आप डिस्प्ले पे जाते हो तो वहाँ पर अब आप स्क्रीन साइज का जो टेक्स्ट है उसको भी आप ऑफ और ऑन कर सकते हो। देख सकते हो आप, मैं डिस्प्ले के नीचे आ रहा हूँ और आप देख सकते हो लार्ज टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप लार्ज टेक्स्ट करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो और नहीं करना चाहते हो तो ऑफ तो है ही। तो ये भी एक नया फीचर निकल के आया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यू फीचर की। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो वही है यहाँ पर ऑटो कीपैड लॉक का जो ऑप्शन आपको मिल जाता है डिस्प्ले में आके पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में अगर आप आओगे तो आप, अगर मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर सेटिंग में आके पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में आके आपको डिस्प्ले पे जाना है और आपका फ़ोन पहले ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉक हो जाता था और उसको ऑफ़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ पर अब आपका जो कीपैड लॉक है, मतलब जो ऑन रहता है उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, मतलब लॉक नहीं होगा, तो इसको आप सेलेक्ट करके ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। ऑन तो पहले से ही अगर आप ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। ये भी एक फीचर न्यू निकल के आता है iOS 2.5 में। हमारा जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो आता है वीडियो एप्लीकेशन में, जो जियो फोन में इनबिल्ट मिलता है। तो अगर आप वीडियो एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहाँ पर आप कोई भी इमेज या आपको जो वीडियो थी उसको फुल साइज में नहीं देख पाते थे, लेकिन अब आप अपनी जो भी यहाँ पर वीडियोस हैं उनको फुल साइज में देख पाओगे बिना कोई टिक व्रिक के। तो वीडियो आपको ओपन करनी है और आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो बस आपको ये क्लिक कर देना है और आपकी जो फुल स्क्रीन में वीडियो चलने लगेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल के आती है यार अपडेट, और इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको ये भी अपडेट मिल जाता है। तो अब आप फुल स्क्रीन करके भी वीडियोस को मज़ा ले सकते हो। नेक्स्ट फीचर जो आपको मिलता है वो मिलता है फाइल मैनेजर ऐप का। जी हाँ दोस्तों, फाइल मैनेजर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, चाहे वो मल्टीमीडिया फ़ोन हो चाहे वो स्मार्टफोन हो, और अब ये जो जियो फोन है वो एक स्मार्टफोन ही बन चुका है आफ्टर व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एप्लीकेशन अपडेट। तो फाइल मैनेजर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कोई भी वीडियोज़ को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपना फोल्डर बना सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, और आपको फाइल मैनेजर के बारे में और जानकारी तो खुद ही खुद यहाँ पर होगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा न्यू फीचर आप कह सकते हो अपडेट मिल जाता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का iOS 2.5 के आने के बाद, जो कि पहले 2.0 था। हमारा जो नेक्स्ट फीचर मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आप ब्राउज़र ओपन करते हो तो वहाँ पर पहले आपने क्या क्या पहले सर्च किया है वो यहाँ पर नहीं शो करता था, मतलब हिस्ट्री नहीं दिखाता था, लेकिन अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो और यहाँ पर जाते हो व्यू हिस्ट्री पे, तो अब आपको जो आपने सर्च किया था वो हिस्ट्री भी आपको शो करेगा। तो ये भी काफ़ी न्यू फीचर यहाँ पर आ गया है ब्राउज़र में। और जो नया यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है वो ये कि अगर आप ये रुपीज़ वाले बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपके बैलेंस को ये स्पीक करके बताएगा। देखिएगा, मैंने लॉन्ग प्रेस किया है और ये यहाँ पर ओपन हो रहा है और ये स्पीक करेगा मेरा बैलेंस क्या है वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पर डाटा वाटा, तो ये स्पीक करेगा। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, बोलेगा देख सकते हो आपने बोला। मैं इसको फिर से प्रेस करके रिपीट करवा सकता हूँ, तो देख सकते हो आपने, ये भी एक फीचर निकल के आता है। तो दोस्तों पहले आपको ये फीचर नहीं मिलता था, जो कि बहुत 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 यूज़फुल फीचर है, जिसमें कि अगर आपने कोई यहाँ पर जियो स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, जिससे कि आपकी स्पेस यहाँ पर बढ़ती जाती थी। लेकिन अब आप अगर चाहें तो आपके जो ऐप हैं उनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ 18 है तो यहाँ पर देखिए अब अनइंस्टॉल का
ऑप्शन आपको दिख रहा है। हालांकि पहले ये सब अनइंस्टॉल नहीं होते थे, और लेकिन आप कॉन्टैक्ट कॉल लॉग को नहीं कर पाएंगे अनइंस्टॉल क्योंकि ये सिस्टम के साथ ही आते हैं, लेकिन आपने जो जियो स्टोर से इंस्टॉल किए हैं उसको आप कर सकते हो अनइंस्टॉल। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन और सुपर फीचर निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो फीचर मिलता है वो ये है कि पहले आप कोई भी इमेज को यहाँ पर ब्राउज़र से सेव नहीं कर पाते थे, डाउनलोड। तो यहाँ पर कैसे आप कर सकते हो, जैसे आप मैं यूट्यूब यहाँ पर मैंने इमेज सर्च मारी है और आप देख सकते हो, अगर ये इमेज को मैं सेव करना चाहता हूँ तो डाउन ऑप्शन पे गए और अब यहाँ पर आपको ये डाउनलोड इमेज का भी ऑप्शन आएगा, मतलब आप सेव करने का भी आएगा। तो डाउनलोड पर क्लिक किया और देख सकते हो आप ये इमेज सेव हो गई है। तो काफ़ी अलग चीज़ ये भी निकल के आती है यार, और मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा फीचर। दोस्तों आपको जो नेक्स्ट फीचर मिलता है वो मिलता है आपके मैसेज ऑप्शन में, न्यू मैसेज अगर आप टाइप करते हो तो यहाँ पर अगर आप हैश करते हो और अगर आपको लेटर्स कैपिटल या स्मॉल करना होता है तो आप इसको प्रेस करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ABC पहले लिख के आता है और साथ ही साथ अब यहाँ पर कोने में भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी कैपिटल है तो मैं यहाँ पर अगर स्मॉल कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ये भी फीचर निकल के आता है, और अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप ये जानने के बाद जान गए होंगे। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये ऊपर वाली प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपका पैनल जैसा कुछ खुल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको टॉर्च, साउंड, इंटरनेट, कैलकुलेटर, वाईफाई और स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है, कैमरा मिल जाता है। तो आप पहले यहाँ पर आपको जो फॉन्ट दिखता था, मतलब आप ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता था, ये बहुत ही स्मॉल था कंपेयर करते हो अगर जो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर 2.0 था, लेकिन आफ्टर 2.5 अपडेट ये आपका जो फ्लैश लाइट जिसे आप देख सकते हो लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये सब काफ़ी बड़ा यहाँ पर हो गया, मतलब लार्ज टेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो ट्रांसपेरेंटी, आपका जो पैनल है, अगर आप ये लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर भी देखने को अब मिल जाएगा। हालांकि मैं लाइट पे शूट कर रहा हूँ वीडियो को इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन वॉलपेपर भी आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाता है। हालांकि 2.0 जो अपडेट था उसमें आपको बैकग्राउंड में कौन सा वॉलपेपर लगा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखा था, तो यह पैनल जो है ये भी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा ये भी अपडेट यहाँ पर है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट 2.5 आने के बाद चेंज हो गया है, फ़ोन में कुछ फीचर्स आ गए हैं जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और बताता रहूंगा। जो भी नए फीचर्स आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बने रहो, चैनल पे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ये वीडियो आप लोग को पक्का पसंद आई होगी यार, प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, बहुत बहुत मेरी मेहनत लगी है, तो उसको प्लीज़ से सब कुछ यहाँ पर जो भी कर सकते हो वीडियो के शेयर कर देना यार। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल को, क्योंकि मैं इसमें रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए नहीं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।